Good morning, everyone, and a very warm welcome to today's morning session. Today is a very, very important, I think one of the most important chapters, the most important assignment. I think it's one of my most favorite assignment, the chapter today. It's so beautiful. It's so wonderful. And you know, when we read this, and especially people who are reading for the first time, jo pehli baar padh rahe hain ya जो भी एक दो बार पढ़े हैं आप देखेंगे कि आपकी लाइफ बदल गई है इस चैप्टर से. सो मैं पहले रीना जी पढ़ेंगे उससे पहले मैं पहले ये एक्सप्लेन कर देती हूँ. सो डे 27 द मैजिक मिरर, इसमें आप देख रहे हैं कि एक अच्छा वन मिनट प्लीज लेट मी मेक प्रिया द को-होस्ट. सॉरी आई जस्ट वर्क आउट. हाँ जी, आई मीट यू. सो इसमें हम देख रहे हैं कि एक मिरर लगा हुआ है और वहां से मैजिक निकल रहा है. सो वहां से मैजिक क्यों निकल रहा है? क्योंकि हम अपने आप को देख रहे हैं, तो मैजिक हम में है. सो हम हमेशा दूसरी चीजों में हम सोचते हैं मैजिक कहीं और से आ रहा है, पर बेसिकली मैजिक हम में है और हमसे आ रहा है. सो आज का चैप्टर वन ऑफ द लास्ट चैप्टर्स है, इन अ वे लास्ट चैप्टर ही है बताने के लिए कि हमने इतनी प्रैक्टिसेस करी है पर मैजिक हम में है. सो आज हमको वो रिकॉग्नाइज करना है. सो आज का चैप्टर बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है एंड और एक अपनी लाइफ मेरी लाइफ बदल दी है और आई एम श्योर ये सबकी लाइफ बदलता है. हाँ जी रीना, पढ़िए प्लीज. ओके, डे 27 द मैजिक मिरर. गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग. मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. हाँ जी, वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग. वेरी वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग. Anjirina, padhiye, please. The appearance of things changes according to the emotions, and thus we see magic and beauty in them, while the magic and beauty are really in ourselves. Kahil Gibran, 1983 to 1931, poet and artist. हाँ जी, so इसने बताया है कि हम कहीं भी चले जाएं, कितनी अच्छी जगह चले जाएं, कितना कोई भी एक्सपीरियंस हो लाइफ का बहुत ज्यादा अच्छा, पर अगर हमारा अंदर से मूड अच्छा नहीं है या हमारा मतलब हम लो फील कर रहे हैं, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा. बढ़िया से बढ़िया पकवान हो, बढ़िया से बढ़िया जगह जा रहे हो, इस दुनिया की मोस्ट ब्यूटीफुल जगह जा रहे हो, कितनी भी लग्जरीज हो, कितना भी पैसा हो, कुछ भी हो, बट अगर हमारा अंदर से हमें अच्छा नहीं लग रहा है तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा. आप कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए. सपोज आप हॉलिडे में गए हैं और आपका उस बीच में कुछ बात हो गई है, लड़ाई हो गई है, और आप बहुत सुंदर जगह गए हैं, बट अगर आपका फ्रीक्वेंसी हाई नहीं है, अगर आपकी एनर्जी हाई नहीं है, अगर आप मन में आपको बुरा लग रहा है, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा. आपको कभी खाना भी अच्छा नहीं लगेगा, कुछ नहीं अच्छा लगेगा. वेयर एज अगर आप कहीं पर भी गई हो, कहीं अभी जिस जहां पर है वहां पर भी अगर आप खुश हैं, अगर आप अंदर से बहुत खुश हैं, सब कुछ आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आप ग्रैटिट्यूड में है, आपको हर एक चीज बहुत सुंदर लगेगी, आपको हर एक चीज में बहुत ज्यादा ब्यूटी दिखेगी. तो इसने यही बताया है कि मैजिक और ब्यूटी बाहर नहीं है, मैजिक और ब्यूटी हमारे अंदर है. जैसे कि हम हमेशा हैड स्टोरी करते हैं, और मैं फिर से बता देती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे नए हैं. सो जैसे कि एक ये हैड की स्टोरी है, जैसे कि एक लड़की होती है, वो ना बड़ी ऑर्डिनरी, बड़ा आम साधारण सा जीवन जी रही होती है. आम साधारण सा मतलब हमेशा एकदम ऑफिस उठती है, ऑफिस जाती है, ना किसी से बातचीत करती है, फिर घर आ जाती है, फिर अगले दिन बहुत अब थी. बड़ी लाइफ ना बड़ी ऐसी सी चल रही थी, कभी कोई बहुत कभी हंसती नहीं थी, कभी खुश नहीं होती थी. तो एक दिन वो ऑफिस जा रही थी, रास्ते में उसको हैट की दुकान दिखी, वो रुक गई और उसने हैट ट्राई करी. जैसे ही वो हैट ट्राई कर रही थी, उसने एक हैट पहनी, तो जो एक और वहां पर आया हुआ था कस्टमर, उसने बोला कि उसने अपनी आंखों से शो करा कि बहुत अच्छी लग रही हो. फिर वो सेल्स गर्ल भी आई तो उसने बोला मैम आप बहुत अच्छी लग रही हो. तो जब वो लड़की बाहर निकली, उसको ना एकदम से वो फ्लावर्स दिखा और एकदम से उसने स्माइल करा और उसने बोला मैम यू आर लुकिंग वेरी नाइस टुडे. उसने उसको फ्लावर्स दिए, फिर वो ऑफिस चली गई.
सबको ना वहां पर जब भी वो जैसे ही वो गई उसका मूड इतना एलिवेटेड सा था, उसको इतनी खुशी हो रही थी, सबने उसे सबको गुड मॉर्निंग बोला, सबने उसको रिप्लाई बैक करा और उसने बोला आज क्या बात हो गई, आज मैं इतना मुझे सब लोग इतना प्यार कर रहे हैं, सब इतना रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उसको लग रहा था ओ मैं आज इतनी सुंदर लग रही हूँ ना इसीलिए सारा दिन निकल गया, बहुत अच्छा उसका दिन निकला, बहुत खोज मतलब सब लोग आए, उसने हंसी मजाक करी सबके साथ बैठकर, उसने लंच करा, फिर जब वो घर गई उसकी मम्मी ने दरवाजा खोला और उसकी मम्मी ने उसको दरवाजा खोलते ही हक करा, तो फिर उसने बोला मॉम मैं कैसी लग रही हूँ, तो कहती है कि वैसी लग रही है जैसे तुम हमेशा लगती हो, तो मेरी हैट कैसी लग रही हो, लग रही है नहीं, से उसकी मॉम ने बोला तुम बहुत अच्छी लग रही हो, कहती तुम्हारी मेरी हैट कैसी लग रही है, कहती कौन सी हैट, तो उसने बोला मॉम मैंने हैट पहनी हुई है, उसने देखा तो कहती वो हैट ही नहीं है, फिर उसने सोचा कि शायद मैं अपने ऑफिस में भूल गई हूँ या मैं टैक्सी में भूल गई हूँ, फिर उसको याद आया कि उसने तो खरीदी नहीं थी, सो व्हाट व्हाट दिस स्टोरी टेल्स यू इज दैट कुछ नहीं बदला था, ओनली हर फीलिंग्स चेंज, व्हेन हर फीलिंग्स चेंज दैट शी इज लुकिंग गुड, शी इज हैप्पी, एवरीथिंग उसके आसपास की दुनिया बदल गई। इसीलिए जब हम खुश होते हैं हम क्या करते हैं, जैसे ही बचपन से हमारा ना शुरू हो जाता है कि स्पेशली फीमेल्स का, जब हम आई एम टॉकिंग अबाउट माई जनरेशन, जब हमें बचपन से बताया जाता है कि यू नो योर लाइफ पहले दूसरों को आगे रखो, यू नो डोंट बी, हमें जब हम अपने लिए ख्याल रखते हैं हमको हमेशा बताया जाता था कि ये सेल्फिशनेस है, हमेशा यू शुड बी सेल्फलेस, तो हमेशा दूसरों को अपने आगे रखो, हमेशा पहले दूसरों अगर कुछ है तो पहले दूसरों को पूछो फिर अपने आप को करो, यू नो दोज आर नाइस थिंग्स, बट कभी कभी क्या होता है कि हम अपने आप को इतना बेरेट कर देते हैं, हम अपने आप को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते हैं, तो जब हम इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं तो कोई और भी हमको इम्पोर्टेंस नहीं देता है, फिर हमारी लाइफ ना बहुत बदल जाती है, पीपल मतलब हम हमेशा अगर सपोज कहीं हम जाते भी हैं, सपोज जैसे पहले मैं रेस्टोरेंट जाती थी और हम लोग ऑर्डर करते थे, तो मैं ऑलवेज जैसे मुझे इंडियन बहुत कम पसंद आता है, मैं तब भी हमेशा कहती थी अच्छा बच्चों को पसंद है, अच्छा मेरे हस्बैंड को पसंद है, अच्छा ठीक है हम इंडियन ही खाएंगे, मैं कभी भी नहीं वॉइस आउट करती थी कि नहीं लेट्स हैव चाइनीज टुडे या दिस या दैट, यू नो सो आदत ही पड़ गई कि ओके मॉम डजंट हैव एनी प्रेफरेंस, सो यू नो लेट्स डू व्हाट वी वांट टू डू, बट व्हेन आई केम इनटू दिस जर्नी एंड आई यू नो स्टार्टेड लविंग माई सेल्फ, इट वॉज नॉट अबाउट कि ओ मेरे हिसाब से बात चलेगी, बट जब मेरा जो मन कर रहा है आई हैव टू गिव इम्पोर्टेंस टू दैट, सो हम हमेशा कभी भी अपनी फीलिंग्स को अपनी इंटरेस्ट को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, हमेशा अगर हमसे कोई पूछेगा भी तो हम बोलेंगे फॉर मी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज माई चाइल्ड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज माई हस्बैंड, हमने बहुत कम जब से हम जर्नी में आए हैं तब अलग बात है, बट शायद ही कोई ऐसे हम होंगे पहले कि हम बोलते होंगे येस आई एम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन आर लाइफ इन माई लाइफ, हमें पता ही नहीं था एक्चुअली कि हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, हम हमेशा सोचते थे हमारे पेरेंट्स सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, हमारे स्पाउस इम्पॉर्टेंट है, फिर जब बच्चे हो जाते हैं तो आई थिंक पूरी दुनिया छोड़कर हम अपने बच्चों में ही इनग्रॉस हो जाते हैं एंड वी थिंक दैट एवरीथिंग इज यू नो, बट ऑफकोर्स we all love our children, we all love our parents, we all love our spouses, but the thing is ki hum bhool jate hain ki hame apne aap se bhi pyar karna hai, hum hamesha wohi believe karte hain jo log vishwas karte hain, maine pehle bhi bataya hua hai jaise jab se main choti thi matlab of course I have a wheatish complexion, to hamesha se mujhe yahi sunne ko milta tha matlab aise dheere dheere se ki सांवली है, यू नो सांवली है, मम्मी को बोलते थे भाई तेरे को तो मुश्किल आएगी, आई एम मारवाड़ी ना, लड़की की शादी करने में ये वो कर लड़की सांवली, फीचर तो अच्छे हैं पर सांवली है, एंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मीन्स आई थिंक माई होल लाइफ आई थॉट दैट ब्यूटिफुल इज अ गुड कॉम्प्लेक्शन, इज अ फेयर कॉम्प्लेक्शन इज ब्यूटिफुल एंड ऑल द पीपल विद वीटिश कॉम्प्लेक्शन आर नॉट ब्यूटिफुल, आई गॉट मैरिड एंड यू नो हेयर ऑल्सो एवरी वन वॉज मोर फेयर देन मी, and I used to, you know, people used to come and, you know, just tell ki haan aapki bahu to saamli, and I used to think, oh, I'm not beautiful. And this kept on, and I never saw the beauty in me. So my life was like that, you know, chalti rahi, always think, wo apni kabhi creams laga li, kabhi, always thinking of my complexion that, you know, I don't have a good complexion, so I'm not beautiful. बच्चे भी हुए तो लाइक माई फर्स्ट सन इज वीटिश एंड आई ऑलवेज थिंक कि सब लोग इसको क्यों वीटिश बोलते हैं, तो इतना सुंदर है ना, एंड देन माई सेकेंड सन वॉज बॉर्न ही वॉज फेयर एंड आई वॉज सो हैप्पी, ओ मेरा गोरा बेटा हो गया,
that mindset I was into. But when I came into this journey, you know, when I started seeing the beauty in me, you won't believe me, my world changed. Raato raat badal gaya. Matlab suddenly I became a star. I mean, star means everyone started appreciating me. Everyone started appreciating the way I look, the way I dress up, everything, because I started appreciating myself. Because main apne aap se pyar karne lagi thi, and I thought I'm very beautiful. So the world will always see what you are seeing in yourself. Aap apne aap ko kahan rakhte ho? मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, स्पेशली फीमेल्स, जैसे मैं शीशा नहीं देख सकते, मैं इतनी मोटी हो गई हूँ, मैं ऐसे हो गई हूँ, मेरा वजन नहीं कम हो रहा, मेरा पेट ऐसा है, मेरा वो मुंह में एक्ने है, आई कांट सी माई सेल्फ इन द मिरर. एंड यू नो दैट इज अ टाइम आई फील रियली, मतलब मुझे लगता है कि हाउ डू आई चेंज, हाउ डू आई ट्रांसफॉर्म दिस पर्सन लाइफ. देन द फर्स्ट थिंग आई टेल देम इज, सब कुछ हो रहा हो, प्लीज फर्स्ट अप्रिशिएट व्हाट यू आर. सब एवरी वन इज यूनिक, एवरी वन इज ब्यूटिफुल. ब्यूटी हमें कोई बॉडी शेप से या कॉम्प्लेक्शन से नहीं आती है, द ब्यूटी कम्स फ्रॉम इनसाइड. तो इसलिए ये वाला जो चैप्टर है ये बहुत ब्यूटिफुल और एंड ये एक्चुअली लाइफ चेंजर है. हम अभी आगे पढ़ेंगे. सो दिस अ ब्यूटिफुल chapter. Hanji Reena, padhiye. You can spend the rest of your life running around trying to beat the outside world into the shape you want, chasing one problem after another, trying to fix them, complaining about situations or other people, and never succeed in living your life to the fullest and realizing all your dreams. But when you make the magic of gratitude your way of life, everything in the world around you magically changes just like that. Your world magically changes because you changed. So what you are attracting change to. In the inspirational words of Gandhi and in the lyrics of Michael Jackson's song, Man in the Mirror, which impacted hundreds of millions, one of the most powerful messages of all time was delivered. Change the person in the mirror and your world will change. If you have followed the 26 magical practices to this point, you have changed. And even though it is sometimes hard to see the changes in yourself, you will have felt the change in your happiness and you will have seen the change of improved circumstances in your life and the magical changes in the world around you. You have practiced the magical power of gratitude for your family and friends, for your work, money, and health, for your dreams, and even for the people you come across each day. But the person who deserves your gratitude more than anyone else is you. When you are grateful to be the person in the mirror, feelings of dissatisfaction, discontentment, disappointment, or I'm not good enough completely disappear. And with them, every dissatisfying, discontenting and disappointing circumstance in your life magically disappears too. Negative feelings about yourself cause the greatest damage to your life because they are more powerful than any feelings you have about anything or anyone else. Wherever you go and whatever you do, you take those negative feelings with you in every moment, and those feelings change everything you touch, and they act as a magnet, attracting more dissatisfaction, discontentment, and disappointment with everything you do. When you are grateful to be you, you will only attract circumstances that make you feel even better about yourself. You have to be rich with the good feelings about yourself to bring the riches of life to you. Gratitude for yourself enriches you. Whoever has gratitude
for themselves will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. Hanji Neenam, so I will just explain this and then aap padhiyega aage. So isne bataya hai ki हमने ना अपनी अब जब तक हम प्रैक्टिसेस में नहीं आए थे, देखो अभी हम 26 डेज से प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि हमारी लाइफ चेंज हो गई है, है ना. उससे पहले मतलब हम हमेशा बस हमारी पूरी जिंदगी ही कंप्लेन में निकली थी, कभी ब्लेम में, कभी कुछ में, कभी सेल्फ पिटी में. हमने हमेशा कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, हमेशा दूसरों को मतलब कभी भी अपनी कोई भी नाखुशी के लिए दूसरों को ठहराया, ब्लेम हमेशा मतलब हमेशा क्रिटिसाइज करा, मतलब हमेशा उस जोन में रहे कि ओके मतलब कि मैं तो बेचारी हूँ, है ना. पर हमने देखा कि अब हम जब 26 दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारी लाइफ बदल गई है, ऐसे कि हमारी से दूसरी जिंदगी हमको मिली है, क्योंकि हमने हर एक एरिया में वर्क करा है. हमने अपनी हेल्थ के एरिया में ग्रैटिट्यूड दिया है, हमने वर्क में दिया है, हमने अपने रिलेशनशिप में बहुत दिया हुआ है, हमने मनी के लिए दिया है. तो आपने देखा है कि बहुत चीजें हमारी लाइफ में चेंज हुई है. जो लोग फर्स्ट टाइम भी ये कर रहे हैं और जिन्होंने अभी तक 26 डेज कर लिया है, हमने सबने देखा कि हमारी जिंदगी कितनी बदल गई है. तो क्यों बदली है, ऐसा तो नहीं हुआ ना कि क्या हुआ, वो जिंदगी कैसे बदली, क्योंकि आप बदले हो, आपने अपनी थॉट प्रोसेस चेंज करा है, आपने अपनी थिंकिंग चेंज करी है, इसलिए ये चेंजेस आए हैं. तो एक माइकल जैक्सन का सॉन्ग है, बहुत अच्छा है, मैन इन द मिरर, ये ग्रैमी अवार्डेड भी है, आप इसको जरूर सुनिएगा. और उसमें यही लिखा है कि यू नो जो आदमी मैन इन द मिरर कौन हुआ, मतलब आप ही हुए, है ना. और उसमें लिखा है कि आप जब इसको बदलोगे, जब हम अपने आप को बदलते हैं तो हमारी दुनिया बदलती है. अभी तक हम हमेशा उस जोन में थे कि ये मेरे साथ ठीक नहीं हुआ, ये मेरे को ऐसा उसने कहा, ये उसने मेरे साथ ये अच्छा नहीं करा, ऐसे कर करके. बट इसलिए हमारी जिंदगी में हमने और वो अट्रैक्ट करा, जैसे ही हमने उसको फुल स्टॉप लगाया और जैसे ही हम ग्रेटफुल हुए. जैसे कल की भी प्रैक्टिस इतनी ब्यूटीफुल थी, यू नो कि हमको उसमें से गोल्ड निकालना था, कि हमारे साथ मतलब उसमें से अच्छी चीजें देखनी थी, कि जो भी हमारे साथ नेगेटिव हुआ है, जो भी हमारे साथ ठीक नहीं हुआ है. तो जब हमने ये प्रैक्टिसेस करी है, हमने देखा हमारी लाइफ कितनी बदल गई है. तो आज का दिन है, आज तभी ये प्रैक्टिस इतनी लेट आई है, क्योंकि जब हमने ये प्रैक्टिसेस कर देख लिया है, हमने देखा है कि कितने चेंजेस आए हैं, और हमने ये भी देखा है कि हमने चेंज करा है अपना नजरिया, इसलिए वो चेंजेस आए हैं. तो आज का दिन है हमें अपने आप के लिए ग्रेटफुल होने को, क्योंकि हमने बहुत चेंजेस देखे हैं. आज का दिन है हमको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को, कि हाँ मतलब यू नो आई एम ग्रेटफुल फॉर हु आई एम, आई एम ग्रेटफुल एज यू नो जो भी जैसा भी मैं हूँ, मैं अपने को एक्सेप्ट करता हूँ. सो और हमने इतने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आज हम रियलाइज करेंगे कि जो सबसे ज्यादा डिजर्व करता है ग्रेटफुलनेस, वो तुम हो, वो तुम्हारी लाइफ है, क्योंकि तुम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन हो अपनी लाइफ में. और अभी तक मतलब जैसे सपोज करो आप अभी तक सपोज हमने 26 दिन की प्रैक्टिस भी कर ली है, और अभी भी आप शीशे में देखते हो, अभी भी आप कहते हो ओ मेरे, जब भी हम शीशे में देखते हैं ना, हमारा ये सबसे बड़ा होता है, ओ मेरे तो बाल बहुत ग्रे हो रहे हैं, ओ मेरे तो यहाँ पर एक्ने आ रहा है, ओ मेरे तो ये फाइन लाइन्स दिख रही हैं, मेरा कॉम्प्लेक्शन डल दिख रहा है, मेरा वेट थोड़ा सा पुट ऑन हो रहा है. हमने जब भी शीशे में देखा है, हमेशा क्रिटिसाइज ही करा है अपने आप को. कभी भी हमने नहीं बोला कि ओ मैं तो क्या रॉक स्टार लग रही हूँ, मैं तो क्या अच्छी लग रही हूँ, हमने कभी नहीं बोला. पर जब से हम इस प्रैक्टिस में आए हैं, जब हम शीशे में देखते हैं, हम इतने खुश होते हैं. हम अपने आप को हमेशा सबसे सुबह जब उठते हैं, ऑफकोर्स सबसे पहले बाथरूम जाते हैं, तो वो मैजिक फुट स्टेप्स करके बाथरूम जाते हैं, और फिर जब शीशा देखते हैं, तो मैं हमेशा बोलती हूँ वाओ, यू नो थैंक यू सो मच, यू नो थैंक यू सो मच, यू आर सच अ ब्यूटीफुल पर्सन, यू आर अ रॉक स्टार, यू नो यू आर गोइंग टू हैव द मोस्ट अमेजिंग डे टुडे. तो अपने आप से बातें करते हैं, थैंक यू बोलते हैं अपने आप को, क्योंकि जो भी हमारे पास लाइफ में है, जितना जो भी है, जैसा भी है, वो सब हमने करा है, यू नो, बिकॉज हमने अपनी ग्रैटिट्यूड से, हमने जैसे भी जो हमने उससे करा है. सो आज का प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है. और आपने ये भी देखा है कि जब भी नेगेटिव फीलिंग आती है, जब भी आप मतलब सपोज करो
क्या होता है कि हम ना अपने आप को इतना दुख देते हैं. सपोज आपकी लड़ाई हुई है किसी से, आपकी फ्रेंड से हुई है, आपके स्पाउस से हुई है, आपके पेरेंट्स से हुई है, आपके बच्चे से हुई है, आप क्या करते हो, लड़ाई हो गई सुबह, सपोज करो कोई बात भी तू मैं हो गई, वो बंदा तो चला जाता है अपने ऑफिस, या बच्चे स्कूल चले जाते हैं, या को अपनी फ्रेंड चली जाती है, आप सारा दिन लो वर्ल्ड में रहते हो, उससे मतलब ऐसे करा, रोते भी हो, परेशान भी रहते हो सारा दिन, मैं उससे कभी बात नहीं करूंगी, मैं ये नहीं करूंगी. तो आप बताइए मुझे, किसने आप किसको दुख पहुंचा रही हो? उसको तो मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि आप इतने दुखी हो. वो तो मतलब बंदा है, वो तो चला ही गया अपना काम कर रहा है, आप सारे दिन ब्रूड करते रहते हो, रोते हो, फिर फोन में भी कहते हो यार तो मेरे को बहुत मन खराब है, मैं तो कुछ भी करती हूँ हमेशा मुझे यही आंसर मिलता है, मेरी तो कई कदर नहीं है. पर आप क्या कर रहे हो, आपको कभी रियलाइज करा है आप किसी दूसरे के लिए अपने आप को दुख दे रहे हो? पता है हम सबसे ज्यादा, मैंने जब ये रियलाइज करा कि वी ऑलवेज हम अपने आप को इतना दुख देते हैं जस्ट बिकॉज किसी और ने हमको कुछ कह दिया या किसी और ने हमारी वैल्यू नहीं करी. बट इज इट फेयर? हम परेशान होते हैं, हम लो जोन में रहते हैं, हम रोते हैं, हम सब कुछ करते हैं, बट इट्स नॉट फेयर ना कि हमने अपनी चाबी किसी और को दे दी है और उसने हमारी तारीफ करी तो हम खुश हैं, उसने हमको कुछ बोल दिया तो हम दुखी हैं. क्यों? इसका मतलब है हमने अपने आप को इम्पोर्टेंस ही नहीं दी है. हमने हमेशा जो दूसरों ने कहा है उसको इम्पोर्टेंस दी है. दूसरों ने बोला अच्छी हूं तो मैं बहुत अच्छी हूं, मैं खुश हो गई. दूसरे ने बोला कि तू एकदम बेकार है, एकदम कुछ काम की नहीं है ये, तो हमने बोला अच्छा वाकई में काम की नहीं हूं. हमने हमेशा दूसरों को प्लीज करने की सोची है. कभी हमने अपने आप से पूछा हमको क्या अच्छा लगता है? कभी हमने जब हम मेन्यू भी बनाते हैं तो हमेशा हम यही सोचते अच्छा इसको ये पसंद है, इसको ये पसंद है. हमने कभी अपनी पसंद को तो ध्यान ही नहीं रखा, है ना. सी देयर इज अ वेरी थिन लाइन. ये मत सोचिए कि यू नो कि आपको सिर्फ अपने लिए ध्यान रखना है, दूसरों के लिए ध्यान नहीं रखना है, ऐसा नहीं है. You always have to take care of other people, but at the same time, आपको अपना ध्यान भी बहुत रखना है. अब जैसे मतलब मैंने लास्ट टाइम भी शायद बताया था कि मैं पहले ना मैं बहुत मुझे ना बड़ा अच्छा लगता था कि ना वो मैं बहुत सैक्रिफाइसिंग हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता था, मुझे बड़ी खुशी मिलती थी कि कुछ भी बच्चों के लिए करा, अच्छा ये चीज़ है कि मेरे बच्चा अच्छा ये है तो आप ये खा लो, तुम ये कर लो. मेरा स्टाफ भी मुझे ऐसे करने लग गया था कि बोलने लग गया था कि भाभी जी ये ना चीज़ आज कम है, तो मैं कहती थी हाँ हाँ कोई बात नहीं मैं नहीं खाऊंगी. जब मैंने थोड़े टाइम के बाद देखा, मैंने बोला क्यों नहीं खाऊंगी मैं, भैया आप लेकर आइए, आप इसको ज्यादा बनाइए, है ना. नाउ ही नेवर से, सपोज एक नारियल पानी है तो मैं बोलूंगी किशन भैया नारियल पानी खोल दो, कहेंगे भाभी जी वो ना अभी भैया को भी जाना है ना तो एक ही नारियल पानी. मैं कहती हाँ हाँ नहीं नहीं भैया को जाना है, भैया को दे दो, है ना. अब मैं उसको पहले से बोलकर रखती हूँ कि ना भैया किशन भैया आपको पता है मैं नारियल पानी पीती हूँ तो आप पहले एक दिन पहले ही मंगा कर रखिए ज्यादा. सो वेन आई स्टार्टेड गिविंग माई सेल्फ इम्पोर्टेंस, वो अब मेरे को कभी भी उस दिन के बाद नहीं सुनने को मिला कि भाभी जी एक ही है तो भैया को देना है. नॉट से कि आप मत लो, बट दैट मैन दैट ओके यू लेट मी गिव भैया फर्स्ट. सो द थिंग इज आप दूसरों को बहुत प्यार करिए, सब कुछ करिए, बट अपने आप को भी बहुत इंपॉर्टेंस दीजिए. आप अपने आप को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तो कोई भी नहीं देगा, एज सिंपल एज दैट. तो इसमें भी लिखा है कि नेगेटिव फीलिंग जब आप रखते हो तो डैमेज करती है अपनी लाइफ, आपकी लाइफ, है ना. और आप सोचिए कि आप अपने लिए इतनी नेगेटिव फीलिंग रखते हैं तो आप क्या अट्रैक्ट करते हैं, कैसे कॉम्प्लीमेंट्स अट्रैक्ट करेंगे, कैसे खुशियां अट्रैक्ट करेंगे. जब अपने लिए कहते हो, हमेशा अपने आप को बिरेट करते हो, सपोज आज आप लेट उठे हो, है ना, और आपने ये चीज नहीं बनाई, आपका बच्चा स्कूल चला गया या आपके हस्बैंड चले गए ऑफिस बिना कुछ खाए, बिना फ्रूट खाए, आप अपने आप को इतना करते हो, मैं क्यों नहीं लेट जल्दी उठी, मेरे बच्चा फ्रूट खाकर नहीं गया, मेरा हस्बैंड ये खाकर नहीं गया, वो ऐसे ऑफिस चला गया, आप पूरा दिन इसमें निकाल देते हो. क्यों? ठीक है हो गया, यू लर्न, मतलब ठीक है अगली बार से अलार्म लगा लोगे, सब कुछ करोगे, बट डोंट स्पेंड योर डेज इन दिस ना कि ओ मैंने यूं ऐसा क्यों करा. सो आज का दिन है हमको बहुत ग्रेटफुल होने के लिए, और हमारी एलरैक प्रैक्टिस भी है. तो अभी प्रिया आपको बताएगी कि वो एलरैक प्रैक्टिस क्या होती है, एंड इट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल प्रैक्टिस. अच्छा हम ऐसे करते हैं, पहले रीना पूरा पढ़ लेती है, फिर हम एलरैक की प्रैक्टिस हम करेंगे. रीना आप थोड़ा थोड़ा धीरे पढ़िएगा प्लीज. ओके To do the magic mirror practice, go to a mirror right now. Look directly at the person in the mirror and out loud say the magic words. Thank you with all your heart.
mean it more than you ever have before. Say thank you for being you. Say thank you for everything that you are. Say thank you with at least the same amount of feeling you have used for everything and everyone else. Be grateful for you just as you are. Continue with the magic mirror practice by being grateful to that beautiful person in the mirror for the rest of the day today. And say the magic words, thank you, every time you look at yourself in a mirror. If you are not in a position to say the magic words out loud at any particular time, then you can say them in your mind. And if you are really brave, you can look in the magic mirror and say three things about yourself that you are grateful for. If for any reason in the future you are not being kind to yourself, you will know to give to the one person who deserves your gratitude more than anyone else, the person in the mirror. When you are grateful, you don't blame yourself when you make a mistake. When you are grateful, you don't criticize yourself when you are not perfect. When you are grateful for being you, you are happy and you will become a magnet to happy people, happy situations, and magical circumstances, which will surround you wherever you go and in whatever you do. When you can see the magic in that person in the mirror, your whole world will change. Magic practice number 27, the magic mirror. Number one, count your blessings. Make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say, thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. Number two, each time you look at yourself in a mirror today, say thank you and mean it more than you ever have before. Number three, if you are really brave, while looking in the mirror, see three things you are grateful for about yourself. Number four, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing what happened during the day. Thank you so much, Reena. Really, thank you for reading so beautifully. Thank you, Poonam ji. Thanks, everyone. So, आज का दिन है, हमको पहले मिरर पे जाना है. सबसे पहले क्लास खत्म होने के बाद शीशा में जाएंगे और वहां पर आप जो आपको दिख रहा है, मतलब आप अपने आप को ग्रेटफुल करिए, बोलेंगे बहुत थैंक यू बोलेंगे. अभी तक हमने सब चीजों को थैंक यू बोला है, हमने अपने पैसे को बोला है, अपने हर एक रिश्ते को बोला है, अपनी हेल्थ को बोला है, अपने मतलब और सब चीजों को बोला है, यू नो जो हमारी जिंदगी में लोग हैं उनको बोला है, हर एक रिलेशनशिप के लिए बोला है. आज का दिन है, हमको अपने लिए थैंक यू बोलना है, अपने आप को ग्रेटफुल होना है, अपने आप के लिए. और ऑफ कोर्स हम ब्रेव हैं, हम अपने लिए तीन चीजें, हमारे पास तो बहुत क्वालिटीज हैं. ऑफ कोर्स हम तीन चीज बोलेंगे जो कि सपोज करो, सपोज मैं हूं, मैं बोलूंगी आई एम सो ग्रेटफुल दैट यू नो पूनम यू आर सो लविंग, वॉट एवर इट इज यू ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड ऐसे करके एंड जो भी आपको कुछ बोलना है. जैसे मैं तो हमेशा बोलूंगी थैंक यू पूनम यू आर सच अ रॉक स्टार, मैं तो हमेशा ये बोलती हूँ. मैंने तो अपनी स्टडी टेबल के आगे भी एक मिरर लगा रखा है और जब जब बीच में मेरे कंसल्टेशंस होती हैं, मैं बीच बीच में देखती रहती हूँ और मैं हमेशा बोलूंगी थैंक यू सो मच, इतनी अच्छा तूने समझाया, इतना अच्छा, द क्लाइंट वाज सो हैप्पी, थैंक यू सो मच, ऐसे कर कर बोलती रहती हूँ.
तो जब मैंने ये प्रैक्टिस पहले शुरू करी थी, इनिशियली जब मैं जाती थी मिरर में, मुझे कभी कोई फीलिंग्स ही नहीं आती थी। मैं बस कहती थी थैंक यू पूनम ऐसे कर कर, और तीन चीजें भी बोल देती थी, मुझे फीलिंग्स ही नहीं आती थी। और ये प्रैक्टिस मैं करती रही बहुत, मतलब एवरी मंथ जब होती थी तो मैं करती थी और मुझे फीलिंग्स ही नहीं आती थी। मैं सोचती थी मुझे फीलिंग्स नहीं आ रही। एक बार पता नहीं क्या हुआ, आई रियली यू नो कुड फील इट, आई कुड फील इट, यू नो आई कुड फील द सेंसेशन इन माई बॉडी व्हेन आई वाज सेइंग थैंक यू। एंड आई थिंक दैट वाज द मोस्ट ब्यूटिफुल टाइम इन माई लाइफ। अभी भी जब मैं बोलती हूँ, जब मैं बहुत ग्रेटफुल होती हूँ अपने आप के लिए, अपनी लाइफ के लिए, मेरी लाइफ के लिए, जो जो मैंने करा। और ये नहीं होता कि हम सब परफेक्ट है, हम गलतियां भी करेंगे, वी आर सपोज टू डू दैट, बट वी लर्न फ्रॉम आर मिस्टेक। हम परफेक्ट भी नहीं है, तो जरूरी तो नहीं है कि जो परफेक्ट है वही बेस्ट है। किसने बोला है? दिस ऑलवेज परफेक्शन इन 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 परफेक्शन। सो वी आर, हमें ग्रेटफुल होना है हम जैसे हैं और जो भी हम हैं। सो अभी प्रिया आपको बताएगी एल रैक की प्रैक्टिस क्या होती है, जो भी नए हैं और जिन्होंने पहले नहीं करी है तो आप शुरू इससे करिए। हाँ जी प्रिया, प्लीज बोलिए। यस, गुड मॉर्निंग मैम। सो एल रैक प्रैक्टिस इज अबाउट लविंग योरसेल्फ, अबाउट रिस्पेक्टिंग योरसेल्फ, अबाउट एक्सेप्टिंग योरसेल्फ एंड अबाउट बीइंग ग्रेटफुल टू योरसेल्फ फॉर व्हाट यू आर। सो दिस प्रैक्टिस, यू विल गो इन फ्रंट ऑफ द मिरर and acknowledge your love for yourself today. Yesterday we did that practice to convert the mistakes and to learn from our mistakes. So it's okay to make mistakes. I just fell in love with Rhonda Byrne. The more and more I'm studying this book na, I'm falling in love with her. Matlab ma'am, actually main pehle na, maine, this is the 12th time I'm doing this book, but today only, just now I realized ki yesterday the chapter was to accept yourself. To accept and embrace the mistakes you have made in your life. It's okay to make mistakes. You are learning from those mistakes. And today is the time when we'll go in front of the mirror and we'll acknowledge our love for ourselves, because that is the most important thing to do. You love others also. That's very good. Self-love is the utmost thing that we need to do right now. So today we'll go in front of mirror and we'll say a four beautiful sentences for ourselves. Look directly into your eyes, and if you cannot, just imagine that there is someone else in front of you. Okay, this practice is done in order to feel that there is someone else, because un auron ke liye na feelings hamare mann mein kafi zyada aa jati hai. Apne ko bolna na kafi mushkil ho jata hai kai baar, hai na, because when we are not used to it. So we'll go in front of mirror, come out of your body, go in front of your mirror, and then look at the person in the mirror. That person is actually very beautiful. So you have to say that, I love you, Priya, for what, Priya is my name. So you obviously have to take your names. I love you, Priya, for what you are. And I love you, Priya, for what you're not. It's okay, Priya, if you're not that slim trim, it's okay. I accept you for that. And I love you for that. So L is for love, then respect. So we will say that I respect you, Priya, for whatever you have done to yourself. And I respect you, Priya, for whatever you could not do. Okay. Then comes A for acceptance. So for we have to say that I'll accept you, Priya, the way you are. And I accept you, Priya, for the way you are not. Maybe some flaws are there in ourselves. We have to accept that and we have to change that. We have to transform ourselves for that. So we have to accept ourselves as we are. It's okay if you do not have a perfect body weight. It's okay if you are not are having some sort of hair fall issue or anything like that, it's okay. So we have to accept ourselves for that. And the next important, the most important thing is being grateful to yourself. We have been grateful to all other things, the all universe, we have been grateful for so long. So now this is the time to be grateful for yourself, for our own self, because we have been berating ourselves from the day one. So we have to be grateful for ourselves. So for that, we have to say, I'm so grateful to Priya for whatever you do for yourself and for your others. And I'm grateful to you, Priya, for being so grateful for whatever you do and could not do for others or for yourself only. So this is the thing. We have to be grateful for, it's okay. Agar kuch galtiyan bhi humse hui hain, humne unko accept kiya hai. हमसे कई बार कुछ लोग छूटे भी होंगे जिनको हमने थैंक यू नहीं किया होगा, हो सकता है कोई प्रैक्टिस भी छूट गई, इट्स ओके फॉर दैट, अगली बार कर लेंगे हम लोग।
ठीक है, बस वी हैव टू एम्ब्रेस आवर सेल्फ एज वी आर, देन ओनली विल बी एबल टू एम्ब्रेस अदर्स. वी डोंट हैव टू चेंज अदर्स, खुद को बदलेंगे तभी हम बदलेंगे. हमको वी हैव टू बी बोल्ड एंड वी हैव टू बी कॉन्फिडेंट, एंड फॉर दैट वी हैव टू गो इन फ्रंट ऑफ मिरर एवरी टाइम. जैसे मैम ने कहा कि हम लोगों के मन में ना एक और बात होती है मैम, आजकल जो फिल्टर लगा के, और आजकल मीडिया इतना ज्यादा एक्टिव हो गया है ना, सो लोग जैसे फिल्टर लगा के, या फिर हम फिल्म स्टार्स को देखते हैं. आई लव प्रियंका चोपड़ा फॉर दिस. प्रियंका चोपड़ा पता है क्या कहती है, कि हमारी जो पिक्चर्स है ना उसको देख के अपने आप को बिरेट मत करो बिल्कुल भी, बिकॉज हम लोग घंटों लगाते हैं अपने एक पिक्चर को शूट करवाने के लिए. तो हमारी फिगर को देख के आपको करने की जरूरत नहीं कि हाय मैं कैसी हूँ, मैं मोटी लग रही हूँ, मैं ऐसी लग रही हूँ, मैं वैसी लग रही हूँ. नहीं, आप अपने आप को एक्सेप्ट करो जैसे आप अपने लाइफ में, अपने जैसे भी जिस भी जगह पे आप हो, आप बहुत अच्छे हो. अपने आप को एक्सेप्ट करो एंड एम्ब्रेस योर सेल्फ. सो यस, दिस इज द थिंग. सो एलरैक प्रैक्टिस. थैंक यू मैम. आई पोस्ट इन द ग्रुप ऑल्सो ना फॉर अ बेटर व्यू ऑन दिस. So, आज की प्रैक्टिस है, हमको जाना है. आज की कभी कई 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 लोगों को आज रोना भी आएगा, क्योंकि उनको मतलब कभी कभी बहुत इमोशनल भी हो जाते हो. तो होने दीजिए, सब निकाल दीजिए. और मेरी लाइफ चेंज हुई है जब से मैंने प्रैक्टिस करी है. बिलीव मी, माई लाइफ मेरी ट्रांसफॉर्म हुई है. चेंज इज ऑल्सो नॉट द वर्ड. जब हम सेल्फ लव करते हैं, मैंने अभी कुछ दिन मतलब हमेशा फॉर मी सेल्फ लव इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुझे इसका मतलब समझ में आने लग गया है. जब आप अपने आप से प्यार करते हैं तो आप ढंग से खाना भी खाते हैं, नरिशिंग खाना खाते हैं. जब आप अपने आप से प्यार करते हैं तो आप एक्सरसाइज के लिए भी जाते हैं. जब आप अपने आप से प्यार करते हैं तो आप हमेशा वही चीज़ें करते हैं जो आपको, आप जिससे खुश रहते हो. तो ये मतलब जब हम कहते हैं ना कि ओके मेरे को तो जो है मेरे को तो यही करना है, वो ही करना है, बाहर में जाए, मेरे को तो बर्गर खाना है तो मुझे फ्राइड खाना है, मैं खाती रहूंगी, मेरे को तो उससे कंफर्ट मिलता है. पर जब एक्चुअली आप अपने आप को प्यार करते हैं, आप स्टेप्स लेते हैं अपने बेटरमेंट के लिए. आप कहते हो कि नहीं, मेरी बॉडी को नरिशमेंट चाहिए, मेरी बॉडी को फ्यूल चाहिए, तो मैं खाना भी अच्छा खाऊंगी. आप फिर बोलते हैं कि मेरी बॉडी को खुश रहना पसंद है तो मैं क्यों दुखी रहूं, है ना. फिर आप बोलते हो कि मेरी बॉडी के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी तभी मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं इतनी अच्छी दिखती हूं, तो आप एक्सरसाइज के लिए भी जाओगे. सो व्हेन एक्चुअली आई हैव सीन इट, जब मैंने अपने आप को मतलब जब मैं इस जर्नी में आई तो मैंने अपनी लाइफ चेंज करी है. द वे यू नो आई हैव स्टार्टेड टेकिंग मोर केयर ऑफ योर सेल्फ. और मैं अब हमेशा अपने क्लाइंट्स को भी ये बोलती हूँ कि अगर आप अपने आप से प्यार करते हो तो वो आप चेंजेस करोगे. सो इसलिए दिस इज नॉट सेल्फिशनेस, टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ. यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ. तो आप हमेशा अपने आप को प्यार करिए. और जैसे भी प्रिया ने बताया, ये प्रैक्टिस करिए, एलरैक करिए, अपने आप को लव करिए, ग्रेटफुल होइए, एक्सेप्ट करिए जैसे आप हो, और रिस्पेक्ट करिए. फिर आप देखेंगे व्हेन यू आर हैप्पी ना, जब आप खुश होंगे तब आप इतने आपके पूरे मतलब ना, यू विल बी सराउंडेड विद पीपल हु लव यू, यू विल बी सराउंडेड विद पीपल हु रिकॉग्नाइज यू. बट सबसे पहले अपने आप को तो प्यार करिए, अपने आप को तो अपनी तो बुकत करिए. हमेशा रोज सुबह उठकर बोलिए कि टुडे इज गोइंग टू बी द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ. एवरी डे इज द अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड ग्रो इन लाइफ. I am born to live a happy and successful life. Universe loves me and helps me in every situation of life. I am a special child of God. I start my day with positivity and I end my day with positivity. I am a confident, positive, and mentally strong person. Everything is possible for me. And nothing is impossible for me. I love my life and always do things that gives me highest goodness. I love myself and accept myself the way I am in my life. I am a magical soul. I am a source of happiness and love. I spread positivity wherever I go. I have great mentors in my life who make me lead a dream life. I'm a magical soul and I always attract miracles in my life. 2023 is the best year of my life. I always take out time for my personal growth in the morning.
something wonderful is about to happen to me. तो जब आप इस frequency में रहोगे, जब आप बार बार अपने आप को बोलोगे, तो आप देखेंगे कितनी miraculous life change हुई है. जब आप अपने आप को विश्वास रखोगे, deserving समझोगे, जैसे कि मैंने अपनी अपनी जो ये न्यू जर्नी ऑफ माई करियर मैंने 2 साल पहले ही शुरू करी है. When I started studying 4 years back, मुझे नहीं पता था, मेरे को बहुत डाउट में थी. पर जब से मैंने इस जर्नी में आई हूँ, when I started कि oh, you know, I deserve it and I can do it and I was not this confident ये पहले. Because of this journey, I'm so confident. I get so much opportunities to, you know, to go and, you know, to inspire others. या फिर मेरे को कोई ना कोई opportunity मिल जाती है जहाँ मैं अपना alma mater जाती हूँ, वहाँ पर मुझे कुछ अपने food and nutrition के बारे में बोलना पड़ता है. But the opportunities just keeps on opening, keeps on coming into my life because I have changed the way I look at myself. तो आज की प्रैक्टिस भी सबसे लास्ट में इसलिए आई है क्योंकि आज अब हमारे लिए इजी हो गया है. जैसे प्रिया ने बोला ना, कल की हमने करा प्रैक्टिस की, हाँ हमने उसमें से चीजें निकालनी थी कि उस चीज के लिए what good happened, जो हमने मिस्टेक करी थी उसमें हमने क्या अच्छा हुआ, हमने क्या सीखा. और आज की प्रैक्टिस भी आप करते रहिए, रोज करिए. ये सबसे ये प्रैक्टिस, कई कई प्रैक्टिस हम रोज करते हैं ना, काउंट माई ब्लेसिंग्स, मैजिक फुटस्टेप्स, रात को हम सोते हैं मैजिक रॉक की, ये भी सबसे पहले उठकर सबसे पहले अपने आप के लिए ग्रेटफुल होइए. हाँ जी, एनीवन वुड लाइक टू शेयर समथिंग और आस्क समथिंग इन द मीन टाइम आई विल स्टार्ट विद अदर बुक. इज दीप्ति मैम देयर? दीप्ति मैम, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? एक्चुअली दीप्ति मैम का आज एयरपोर्ट है. मैम इज हियर. हां मैम, मैम इज हियर. मैम, इफ यू वांट टू ऐड द इनपुट्स. हां जी मैम, प्लीज. अब आई एम जस्ट अबाउट टू टेक माय फ्लाइट, इज अबाउट टू टेक ऑफ एक्चुअली, सो वोंट बी एबल टू स्पीक, बट देन आई एम लिसनिंग. ठीक है, थैंक यू मैम सो मच. थैंक यू फ्रेंड्स टू हैव अ वंडरफुल फ्लाइट एक्सपीरियंस, येट अनदर वन. यस. So our second book is The Power of Subconscious Mind by Joseph Murphy. And this is also the most amazing book. Anyone who would like to read? I'll read. Meetu ne bola. Haan ji, Meetu, aap padhiye please. अभी तक हमने ना ये वाला चैप्टर हमारा हो गया. आज हमारे कंक्लूडिंग पॉइंट्स हैं. सो आज हम ये कंक्लूडिंग पॉइंट्स पढ़ते हैं. हाँ जी मीतू पढ़िए प्लीज. सर्व योरसेल्फ विद द पावर ऑफ योर माइंड. सर्व योरसेल्फ विद द पावर्स ऑफ योर माइंड. पॉइंट नंबर 1, डिसाइड टू बी वेल्दी द इजी वे विद द इनफॉलिबल एड ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड. Point number 2, trying to accumulate wealth by the sweat of your brow and hard labor is one way to become the richest man in the graveyard. You do not have to strive or slave hard. हाँ जी, तो मैं तो 1 minute please, मैं शायद 2-3 point कर वो करेंगे क्योंकि अब हमने chapter पढ़ लिया है, सबने पढ़ लिया है, but conclusion में we'll just, you know, it's like, you know, we'll just go back and just remember this. So इसमें हमें पहले बताया था कि easy has it, मतलब जो लोग बहुत टॉयल करते हैं, जो बहुत मेहनत करते हैं, एक्चुअली बचपन से हमको ये बताया गया ना कि पैसे पेड़ पे थोड़ी लगते हैं, मेहनत करोगे तब मालूम पड़ेगा, मेहनत 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 मेहनत. हमें लगता है ओ, हमें तो बहुत सुबह से लेकर रात तक पैसे कमाने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पर ऐसा नहीं होता है. हम जब भी इतनी स्ट्रगल डालते हैं कोई चीज में, वो कभी नहीं मिलती है. पर जब हम रिलैक्स होते हैं, इजी में स्मार्टली वर्क करते हैं, और सबसे जरूरी बात यह है जब हम अपने वर्क को इंजॉय करते हैं, जब हम अपने वर्क में मतलब अपना पैशन ढूंढते हैं, जब हम बहुत जॉय ढूंढते हैं, अपने आप हमको अपने आप वो वेल्थ हमारी एक्यूमुलेट, अपने आप हमारे वेल्दी होते हैं. पर जब हम सोचते हैं कि ओ, जब हम उसमें स्ट्रगल डाल देते हैं ना कोई भी चीज में, चाहे वो कोई भी चीज हो, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती है. सो ऑफकोर्स जैसे दीप्ति मैम ने भी एग्जाम्पल दिया था कि द रिक्शा पुलर सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, सबसे ज्यादा टॉयल करते हैं, बट दे आर नॉट द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड. सो द रिचेस्ट पीपल आर पीपल जो अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करते हैं एंड दे बिलीव दैट दे आर रिच. दे बिलीव, वो अपने उन्होंने अपने आपको उन्होंने अपने पावर को एक्टिवेट करा, उन्होंने डिजर्विंग समझा अपने आपको, वो रिच होते हैं. हाँ जी, थर्ड पॉइंट पढ़िए मीतू.
Point number three, wealth is a subconscious conviction built into your mentality, the idea of wealth. Point number four, the trouble with most people is that they have no invisible means of support. हाँ जी, तो वेल्थ वेल्थ ये एक हमें अपने माइंड को, जैसे कहते हैं ना, अभी इसमें हमने चैप्टर में पढ़ा, बार बार हमें अपने आप को माइंड को हमको विश्वास दिलाना है कि आई एम वेल्दी, यू नो, कि मेरे पास वेल्थ है, आई एम केपेबल ऑफ रिचेज, आई डिजर्व द रिचेज. तो ये हमको अपना, हमें पहले अपने आप को डिजर्विंग समझना, हमने अपना विश्वास रखना है, पहले तो फेथ रखना है कि हाँ मैं रिच हूँ. मुश्किल कहाँ आती है कि हम ग्रैटिट्यूड भी करते हैं, सब कुछ भी करते हैं, पर हम अपना हम विश्वास नहीं रखते हैं. आस्क, बिलीव एंड इट इज गिवन. पहले हम मांगते हैं, फिर हम विश्वास रखते हैं, बिलीव करते हैं, पर हम कितनी बार बिलीव ही नहीं करते हैं. हम अपने जो इनविजिबल मीन क्या हुआ, सबकॉन्शियस माइंड है ना, हम उसको एक्टिवेट ही नहीं करते हैं, उस पर विश्वास ही नहीं रखते हैं. हम अपने जो हमारे को सर्कमस्टांसेस दिख रहे हैं उसी में सुबह ग्रैटिट्यूड करेंगे, फिर जैसे सर्कमस्टांसेस आएंगे उसी में घिरे रहेंगे. हम परत ही नहीं जमाते हैं कि हम वेल्थ सक्सेस का हम विश्वास ही नहीं रखते हैं, तभी हमारे पास हम इसको अट्रैक्ट नहीं करते हैं. सो फिफ्थ पॉइंट पढ़ते हैं मीतू. रिपीट द वर्ड वेल्थ टू योरसेल्फ स्लोली एंड क्वाइटली फॉर अबाउट 5 मिनट्स प्रायर टू स्लीप एंड योर सबकॉन्शियस विल ब्रिंग wealth to pass in your experience. Point number six, the feeling of wealth produces wealth. Keep this in mind at all times. Point number seven, your conscious and subconscious mind must agree. Your subconscious accepts what you really feel to be true. The dominant idea is always accepted by your subconscious mind. The dominant idea should be wealth, not poverty. हाँ जी, तो इसमें बहुत अच्छा हमको एक चीज बताई थी कि जब हम बोलते हैं आई एम वेल्दी है ना, तो हमको विश्वास ही नहीं होता है कि बिकॉज वो हमको रियलिटी में आते तो हमको लगता है ना कि मैं वेल्दी कहाँ पर हूँ, यहाँ तो मुझे अभी कहीं जाना है, मुझे उसके लिए पैसे नहीं, मैं वेल्दी कहाँ पर हूँ, मेरे बैंक में इतने कम रुपए, मैं वेल्दी कैसे हूँ. पर जब आप बार बार बोलते हो, आप दिन में 2-3-4-5 बार बोलोगे 5-5 मिनट के लिए वेल्थ सक्सेस बार बार बोलोगे वेल्थ सक्सेस, तो ये आपको मतलब आपके स्ट्रगल भी नहीं हो रही, आपको ये भी नहीं लग रहा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या कोई और दुनिया में हूँ. क्योंकि जब आप बोलते हो आई एम वेल्दी, तो आपको लगता है कि हाँ यार कहाँ से वेल्दी, जब हम बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं. पर जब हम बार बार बोलते हैं वेल्थ सक्सेस, तो और स्पेशली जब हम सोने के पहले बार बार ये बोलते हैं और दिन में भी बोलते हैं, क्योंकि सोने के पहले फिर हम अपना हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है ना, हमारा कॉन्शियस माइंड स्लम्बर में जाता है, तो सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है. तो उस समय जब हम बार बार बोलेंगे वेल्थ सक्सेस, तो आप देखेंगे बहुत चीजें हमारी बहुत अपॉर्चुनिटीज चेंज होती है, बहुत चीजें हम अट्रैक्ट करते हैं. जब हम फील करते हैं ना कि वेल्थ प्रोड्यूस, जब हमारी फीलिंग वो होगी ना, तो हमको और मिलेगा. हम क्या करते हैं कि अभी तो हम फीलिंग लाते हैं, फिर जब हमारी रियलिटी आती है ना, हम फिर लो जोन में चले जाते हैं. अरे यार ये कैसे होगा, ये बिल कैसे दूंगी, उसको कैसे करना है, फिर हम उस अपने दिमाग में अपना दिमाग से यूज करने लग जाते हैं. पर जब हम कहते हैं आई मतलब जब हम बोलते हैं ना कि आई मतलब कि वेल्थ सक्सेस न्यू अपॉर्चुनिटीज आर ओपनिंग इन माई लाइफ, आई एम यू नो आई डिजर्व ऑल द वेल्थ, आई डिजर्व ऑल द रिचनेस, आई एम अ मनी मैग्नेट, जब आप ये बोलते हैं फिर आपकी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, सर्कमस्टांसेस आते हैं जब आपको और रिच बनाते हैं, कोई ना कोई चीज ऐसी हो जाती है. सो इट्स नॉट दैट आपको अपने काम से पैसे मिलेंगे, आपको और भी आपकी अलग अलग सोर्सेज ऑफ इनकम हो सकती हैं, पर हम उसको एकदम खत्म कर देते हैं. आपको रिच होने से मतलब है कैसे भी होगे, पर जब आप विश्वास रखोगे तभी होगे. पर हम सोचते हैं ओ मेरे तो अभी तो एक दो ही क्लाइंट है, मेरे को कैसे मेरे को पैसा मिलेगा. जब हम इस लैक की फीलिंग में आते हैं तो कभी भी नहीं मिलेगा, पर जब हम प्रोग्रेसिव की फीलिंग में आते हैं, जब हम विश्वास रखते हैं कि बस अब तो यूनिवर्स को बोल दिया है, अब कहीं से भी ऑर्केस्ट्रेट होगा पर आएगा, होएगा, तो फिर हमारा होता है. सो इसमें लिखा है कि आपका जब आप सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड आपका दोनों को अग्री करना पड़ेगा. आप बोल तो रहे हो ग्रैटिट्यूड और बोल रहे हो आई एम मनी मैग्नेट और सक्सेस वेल, बट आप विश्वास ही नहीं रख रहे हो. आप
फिर वो किसी को बात करनी तो कहते हैं अरे आजकल तो मेरा बहुत वो चल रहा है, बहुत मीन पीरियड चल रहा है, बहुत लीन पीरियड चल रहा है, आप विश्वास ही रखते, फिर सबकॉन्शियस माइंड वही करेगा जो आपका कॉन्शियस माइंड कहेगा, तो इसलिए हमको नहीं ब्रेक्स मिलते हैं। तो इसलिए हमको जब भी जो हमारा डोमिनेंट थॉट होता है, जो हमारा मेन थॉट होता है, वो एक पॉवर्टी का नहीं होना चाहिए, वो वेल्थ का होना चाहिए, लैक का नहीं होना चाहिए, अबंडेंस का होना चाहिए। और जैसे हमारे रोंडा बर्न में भी हमने 27 डेज, आज 27 डे है, आप देखेंगे कि हमारे जितने भी लैक की फीलिंग थी, हमारी वो अबंडेंस की फीलिंग आ गई है। तो जब आप देखो, इसमें कभी कभी की टाइम लगता है वो फीलिंग लाने के लिए, बट आप जब बार बार तोता की तरह बोलते हैं वेल्थ 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 वेल्थ, एक तो आपके अंदर के ही आपके एनर्जी लेवल्स चेंज हो जाते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, तो तभी आप अट्रैक्ट करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी की थिंग्स। क्योंकि पैसा एनर्जी है, पैसा कोई हम हमेशा सोचते हैं कि मतलब पैसा एनर्जी है, आप हाई एनर्जी में रहेंगे तो हमेशा आपको मिलेगा वो। हाँ जी, एट मी तो थोड़ा धीरे धीरे पढ़िएगा प्लीज। ओके, यू कैन ओवरकम एनी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रिगार्डिंग वेल्थ बाय अफर्मिंग फ्रीक्वेंटली बाय डे एंड बाय नाइट आई एम बीइंग प्रॉस्पर्ड इन ऑल ऑफ माय इंटरेस्ट्स। पॉइंट नंबर 9, इंक्रीज योर सेल्स बाय रिपीटिंग दिस स्टेटमेंट ओवर एंड ओवर अगेन। My sales are improving every day. I am advancing, progressing, and getting wealthier every day. हाँ जी, ये कितनी अच्छी affirmations है। जब हम बार बार बोलते हैं ना, by day and by night, I am being prospered in all my interests, या in all the ways। हम जब बार बार बोलते हैं ना, जब हमको मतलब जब हम विश्वास रखते हैं, my sales are improving, my every day, my clients are increasing every day. You know, I'm advancing, I'm progressing, I'm getting wealthier. जब हम ये बोलते हैं ना, I'm getting rich, I'm money magnet, my sales are improving, my clients are increasing, by day and by night, I'm being prospered in all my ways, by day and night, I'm being wealthy in all the ways. जब आप बार बार ये बोलते हो, बार बार रात को सोने के पहले बोलते हो, सुबह उठते सार, जैसे मैंने अभी पहले भी affirmations बोली थी, वैसे आप इसकी wealth की भी affirmations बोलते हैं, तो सच्ची में miracles होते हैं, सच्ची में miracles होते हैं। I have seen it in my life, so I'm telling you that actually hote hain from like opportunities just flow into your life, people just come into your life, you just need to attract. Hanji, 10th hai ye. Stop writing blank checks such as there is not enough to go around or there is a shortage, etc. Such statements magnify and multiply your loss. Hanji, ye jaise Deepti ma'am ne pehle humko bataya tha ki ye उन लोगों के लिए है कि जो ग्रैटिट्यूड इतने दिनों तक नहीं करते हैं, सिर्फ एक बुक फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, पर बिकॉज हम रोंडा बर्न की बुक एवरी डे पढ़ रहे हैं और कितने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, और हमने देखा कि हमने डे वाइज हम रोज अलग अलग चीजों का ग्रैटिट्यूड करते हैं, तो इसलिए ये चीज, तो हम जब मैजिक चेक लिखते हैं इसलिए हमारा फुलफिलमेंट होता है, बिकॉज हम ग्रैटिट्यूड की उस जोन में है, उस दुनिया में है। ऐसा नहीं कि बस हमने एक ही दिन प्रैक्टिस करी है मैजिक चेक की, तो इस करके इसलिए इसमें लिखा है, पर जस्ट पर हम उससे पहले बाद में हर एक चीज के लिए हम ग्रेटफुल होते हैं, तो इसलिए हम मैजिक चेक करते हैं, तो इसलिए प्लीज कंफ्यूज मत हुई इस सेंटेंस से। हाँ जी मीतू, 11th, डिपॉजिट थॉट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी वेल्थ एंड सक्सेस इन योर सबकॉन्शियस माइंड एंड द लैटर विल गिव यू कंपाउंड इंटरेस्ट। पॉइंट नंबर 12, what you consciously affirm you must not mentally deny a few moments later, this will neutralize the good you have affirmed. Point number 13, your true source of wealth consists of the ideas in your mind. You can have an idea worth millions of dollars, your subconscious will give you the idea you seek. Haan ji, humne kitni success stories padhi hai, bahut जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं, टॉनी रॉबिन्स, ओपरा विनफ्रे, यू नो उन लोगों ने, एंड दे कम फ्रॉम अ वेरी वेरी हम्बल बैकग्राउंड, मतलब रियली यू नो बहुत ज़्यादा, बट उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को इतना ज़्यादा ट्रेन करा, यू नो जब उन्होंने वो अबंडेंस की फीलिंग रखी कि यू नो मतलब द लाइफ, उन्होंने अपनी लाइफ से चेंज करना सिखाया है कि कैसे हम जब सबकॉन्शियस माइंड को हम जब ट्रेन करते हैं, जब हम बार बार
विश्वास रखते हैं, जब हम बिलीव करते हैं हमको जो चाहिए और उसको बार 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 एफर्मेशंस करते हैं, तो हमें सब कुछ मिल सकता है। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी वो ही देगा आपको, यूनिवर्स वो ही देगा जो आप विश्वास रखते हैं। तो अपना माइंडसेट चेंज करिए। जब आप बार बार वेल्थ सक्सेस अपने सबकॉन्शियस माइंड में बोलते हैं, जब बार बार आप विश्वास रखते हैं यू नो योर लाइफ इज गेटिंग बेटर एंड बेटर, यू नो एवरी डे इज बेटर देन यू नो वॉट एवर यू हैव, एवरी डे इज ब्रिंगिंग यू मोर गुडनेस, एवरी डे इज ब्रिंगिंग यू मोर प्रॉस्पेरिटी, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, यू नो न्यू अपॉर्चुनिटीज आर ओपनिंग इन माई लाइफ, आई एम गेटिंग कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ मनी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यू नो फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज money is pouring into my life, you know, I'm always getting opportunities where I receive more money. जब आप ऐसे thoughts रखेंगे, जब आप विश्वास रखेंगे, तो आपकी दुनिया भी change हो जाएगी. So when you consciously affirm, है ना, अभी हमारी problem कहते हैं, हम affirm करते हैं, हमें पता है हमको मिलेगा, but थोड़े time के बाद ही कोई चीज हो जाती है. Suppose बच्चे ने कोई खर्चा कर लिया या कोई bill आ गया, हम फिर लो जोन में चले जाते हैं, फिर हम विश्वास नहीं रखते हैं, इसलिए कभी कभी हमारी चीजें पूरी नहीं होती हैं, इसलिए कभी कभी हमको वो फेक लगता है, क्योंकि हम अपनी जोन चेंज कर लेते हैं. जब राउंड वन के हमारे मैजिक बुक में भी हमने कितना देखा, बिल्स का हमने शुक्रिया करा है, तो जब भी बेसिकली वो हमने बुक भी इसलिए करी थी कि हर एक चीज का हमको ग्रेटफुल होना है, बिल्स उसका भी, अगर अभी पैसे नहीं है तो उसके लिए भी थैंक यू होना है, हर एक चीज के लिए. तो हमारी जब भी हम देखेंगे कि हमारी लाइफ चेंज नहीं हो रही है, तो आप हमेशा देखना कि आपके थोड़े टाइम के बाद आपकी जोन चेंज हो जाती है, एनर्जी लेवल्स आपके दूसरे हो जाते हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, लो में चले जाते हो, डाउट में चले जाते हो, वरी में चले जाते हो, इसलिए आपका चेंज नहीं होता है. तो आपको हमें तो ना मतलब गार्ड की तरह अपने थॉट्स को बहुत सेल्फ टॉक से हमको बहुत करनी पड़ती, गार्डिंग करनी पड़ती, हम क्या सोच रहे हैं, क्योंकि हमारी टेंडेंसी होती है कि हम लोअर जोन में चले जाते हैं. तो बहुत हमको अपने आप को सेल्फ जब भी करते हैं तो हमेशा तुरंत हमको जैसे कितने क्राउड आउट करते हैं गुड थॉट्स से, वो करना पड़ता है, बार बार फिर हमको बोलना पड़ता है माई लाइफ इज बेटर बेटर, मनी इज यू नो आई एम गेटिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज, आई एम गेटिंग माई क्लाइंट्स आर इंक्रीजिंग, माई सेल्स आर इम्प्रूविंग. बार बार बोलोगे ना तो आपको होएगा. हाँ जी, 14 पढ़ेंगे आप नीतू. Envy and jealousy are the stumbling blocks to the flow of wealth. Rejoice in the prosperity of others. Point number 15. The block to wealth is in your own mind. Destroy that block now by getting on good mental terms with everyone. हाँ जी, तो हमेशा ये, तो ये ना मुझे भी नहीं पता था पहले कि हम कभी कभी ना हमारे मन में आ जाता है, यू नो स्पेशली ऐसे नहीं आता किसी और के लिए, पर कभी कभी मतलब आपकी सपोज किसी से ना आपकी थोड़ी सी कभी कभी हमारे कोई कोई नेगेटिव फीलिंग्स होती है किसी लोग के लिए, और फिर हम बोलते हैं अरे यार ये तो इतना ऐसा करता है फिर भी इसके पास इतने पैसे हैं, ये तो इतना मतलब ही इज नॉट अ गुड मैन तब भी इसके पास इतने पैसे हैं, या फिर कोई भी रिश्तेदारी में ऐसा होता है कि आप सपोज बहन भाई हो या आपके इन लॉज में हैं, और कभी कभी किसी को ज्यादा चीज चली जाती है, किसी को आपको कम प्रॉपर्टी मिलती है, आपको कम पैसे मिलते हैं, या किसी का हस्बैंड किसी के लिए सपोज करो यू आर टू पीपल इन द फैमिली एंड यू नो सपोज करो इफ इट इज योर ब्रदर इन लॉ एंड हिज वाइफ, तो हमेशा देखेंगे कि वो उसको तो वो बहुत ज्वेलरी दिलाता है या कुछ करता है, एंड यू आर इन द सेम फैमिली और आपका हस्बैंड शायद नहीं उसमें इन्वेस्ट करता है, तो आपके एक बार आ जाता है यार उसका तो बहुत होता है, मतलब आपको थोड़ी सी एनवी जेलस, या आप ऐसे भी बोल देते हो कभी कभी फोन से भी बोल देते हो कि यू नो मॉम वो तो ना उसके लिए बहुत करता है, तो उसको हॉलीडे पे लेकर गया, वो उसके लिए ज्वेलरी करता है. बट द थिंग इज ये आपके सब चीज रुकावट है आपकी लाइफ में अगर आप ये सोचते हैं, एंड यू नो वी ऑल डू दैट, आई ऑल्सो डू दैट, एंड सच अ ब्यूटिफुल बुक दैट हम अपने आप को चेक करते हैं इन सब चीजों से. तो ये सबसे ज्यादा हमारे जैसे कहते हैं ना फ्लो में, नाउ व्हेन आई रिकॉल बैक ना आई फील कि यू नो ये मैं जब से प्रैक्टिस कर रही हूँ, आई रिकॉल दैट मैंने कितनी चीजें अपनी लाइफ में तो वो ब्लॉक्स इसलिए रखे बिकॉज आई यूज टू थिंक लाइक दैट, मुझे पता ही नहीं था कि सोचने से ऐसा होता है. मैं हमेशा वो सोचती थी कि मैं तो बोलती नहीं हूँ यू नो तो ठीक है, बट मेरे थॉट्स तो हमेशा वैसे होते थे, मुझे पता ही नहीं था कि मैंने अपनी जिंदगी में कितनी चीजें अट्रैक्ट करी है जस्ट बिकॉज आई यूज टू थिंक लाइक दैट.
सो कभी भी आपको कोई आता है तो हमेशा खुश, उस जैसा बोस किसी और आपको मतलब किसी हस्बैंड ने उसको ज्वेलरी दी, बहुत खुश हुई है उसकी, उसकी खुशी में बहुत खुश हुई है। जब आप दूसरों की खुशी में, किसी ने कार खरीदी है यू नो और आपको बहुत ड्रीम है उस कार का, तो एक बार मन में आता है कि मेरे पास ये कार कब आएगी, पर जब आप खुश होते हैं दूसरों की उन्नति में, दूसरों की चीजों में बहुत खुश होते हैं, तब आप अट्रैक्ट करते हैं। पर जब हमारे मन में थोड़ा सा वो आ जाता है ना कि ओ मेरे पास कब आएगी और मेरे पास से क्यों नहीं हो रहा, मैं भी तो सेम फैमिली की हूँ, वो क्यों इतना एंजॉय कर रहे हैं, तो आप अपना रुकावट डाल रहे हैं, आप अपने फिर और ब्लॉक्स इकट्ठे कर रहे हैं। सो द ब्लॉक टू द वेल्थ इज इन योर माइंड, आपके दिमाग में है, वो आप डिस्ट्रॉय कर दीजिए। डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे, पहले तो आप बहुत खुश होंगे, बहुत खुश होंगे दूसरों की, जो भी दूसरे चीज लेते हैं, फिर आप ग्रैटिट्यूड करेंगे, आप सेल्फ टॉक अच्छे करेंगे, आप विश्वास रखेंगे कि यू डिजर्व इट। प्लीज चेक योर म्यूट बटन श्रीदेवी। तो आप चेक रखेंगे कि आप मतलब सॉरी आप चेक रखेंगे कि आप क्या सोच रहे हैं, आप विश्वास रख रही हो कि आप हेल्दी हो कि नहीं हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये बहुत हेल्प करता है हमको कि हम सेल्फ टॉक क्या कर रहे हैं, हम क्या विश्वास रख रहे हैं, हम क्या फेथ से कर रहे हैं। सो अच्छा इट्स ऑलरेडी 7, एनीवन वुड लाइक टू शेयर समथिंग और वुड लाइक टू आस्क समथिंग प्लीज करिए। एंड आई थिंक वी विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर टुमारो विद दीप्ति मैम, योर राइट टू बी रिच। यस Anyone would like to, प्रिया आपको कुछ इनपुट्स देने हैं, आपको कुछ बोलना है या किसी और को कुछ बोलना है? Anyone would yes, like? एक ना मैंने सुना था विशन लखियानी जो है माइंड वैली के जो ओनर है उनका सुना था, एंड इट्स वेरी ब्यूटिफुल। इट्स ऑल अबाउट द मेंटल ब्लॉक्स वी हैव इन आवर माइंड, सो दैट मेंटल ब्लॉक कम्स फ्रॉम द जनरेशंस, यू नो, जैसे कि कई बार हमने बचपन में सुना होता है, विशन लखियानी अपने बारे में ही कहते हैं कि बिकॉज एज एन NRI तो कहता हम लोग ना वी वर वेरी मिडिल क्लास फैमिली और हम लोग लाइक वी ऑलवेज हैड दिस फीलिंग एंड वी ऑलवेज हैड दिस इन आवर माइंड दैट मनी इज ऑलवेज हार्ड अर्न। तो कहते हैं कि जैसे हम लोग शुरू में जैसे वो मलेशिया में रहते हैं तो कहते जैसे कि मैं उसके फादर जो है वो बहुत ही एक मॉडस्ट से डिपार्टमेंटल स्टोर के ओनर थे, चलाते थे, और कहते कि जैसे मैंने बचपन में जब मैं 11-12 साल का था, 13 साल का था, तो पापा मम्मी हम लोग ने सारे मिलजुल के काम करते थे, जैसे माल आया उठाया उनको, है ना, ये सब किया, मतलब दैट वाज अ लेबर दैट वी यूज्ड टू डू। देन उसके मॉम जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थी, तो कहता कि ना मतलब बहुत एंड्स मीट करने क्वाइट हार्ड हो जाते थे हमारे लिए, सो आई ऑलवेज हैड दिस इन माई माइंड दैट मनी इज ऑलवेज हार्ड अर्न। तो ठीक है, वो पढ़ाई करते हैं, सिलिकॉन वैली में जॉब करते हैं, तो कहता मैंने सब कुछ करा अपने लाइफ में, उसके बाद अब तो काफी वेल टू डू है, बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने लाइफ में। तो वो ना एक ए फेस्ट नाम का एक वो फेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं एवरी नाउ एंड देन। तो कहते मुझे बहुत पैसा आने लगा ये सब प्रैक्टिसेस करने के बाद, ग्रेटिट्यूड की जोन में रहने के बाद, अपने सबकॉन्शियस माइंड में काम करने के बाद। तो उनके पास बहुत मतलब नाउ इज अ मिलियनेयर, तो कहता कि बहुत पैसा आने लगा, लेकिन दैट ब्लॉक इन माई माइंड, the mental block that I am carrying from those childhood days, it has been annoying me since that time. So kehta mere paas paisa to aata tha but rukta nahi tha mere paas, kehta main na matlab I always had this ki maine to AFS se jo paisa kamaya hai na wo hard earned nahi hai, wo to easily aa gaya hai. Ab AFS mein kya hota hai, fest hai, masti karte hain, meditation karte hain, mazak karte hain, and people intermingle with each other, dance karte hain, khub party karte hain aisa। तो उसने कहा कि जैसे मैं बचपन से सुनता था कि हार्ड अर्न्ड होती है मनी, लेकिन ये मनी तो हार्ड अर्न्ड है ही नहीं। तो वो क्या करता था ना, अपना जितना भी उसके पास पैसे आते थे वो उसको वो डोनेट कर देता था, द मैक्सिमम अमाउंट यूज्ड टू डोनेट। तो ऐसा कर करके क्यों ऐसा करता था, पैसा उसको रोक ही नहीं पाता था, ये मेंटल ब्लॉक उसको बहुत ज्यादा अनॉय करता था कि यार मतलब नहीं है, मतलब हार्ड अर्न्ड नहीं है ना मनी, इसलिए मेरे पास रोक ही नहीं, आई डोंट नॉट डिजर्व टू हैव सो मच ऑफ वेल्थ। तो लेकिन जब उसने इसके बारे में सोचा और भी बहुत सारे मेंटर्स के वो कॉन्टैक्ट में आए और उन्होंने जब सीखा इस बात, तब उन्होंने इस बात को जाना कि बिकॉज ऑफ दैट मेंटल ब्लॉक विच ही इज कैरिंग सिंस हिज चाइल्डहुड, उस मेंटल ब्लॉक के कारण मैं नहीं उसको अटेन कर पा रहा हूँ, मैं नहीं पैसे को रोक के रख पा रहा हूँ, है ना। रोकना नहीं है, ऑब्वियसली मनी इज अ कॉन्स्टेंट फ्लो, इकोनॉमी चलाने के लिए मनी को आपको स्पेंड करना पड़ेगा, वो तो ठीक है, लेकिन उसके मन में जो वो ब्लॉक था ना
कि मेरे पास जो मनी इज ऑलवेज हार्ड अर्न, उसके कारण उसकी जो रुकावटें हो रही थी उस पर उसने वर्क करना शुरू किया. एंड हमारे पास भी ये वाली चीज है, हमारे माइंड में भी बहुत सारे मेंटल ब्लॉक्स होते हैं. और हमारे पे हम सबसे पहले ये देखना है कि अगर हमने ये बातें सुनी है अपने पेरेंट्स से, अगर सीखी भी है, तो वो उन्होंने अपने हिसाब से बोला है, वो उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोला है ना. उस वक्त हो सकता है वही हमारे लिए ठीक था. अभी हम लोगों को उस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा. ठीक है, वी हैव कम आउट ऑफ दैट. नाउ इज द टाइम दैट वी हैव टू रिमूव दैट मेंटल ब्लॉक फ्रॉम आवर माइंड एंड वी हैव टू एक्सेप्ट द अबंडेंस एंड द वेल्थ फ्रॉम आउटसाइड. तो इसी बात की उन्होंने यही किया. फिर उन्होंने इसी बात पर करके कि भाई मैंने सारे के सारे पॉजिटिव थॉट्स ऑब्वियसली रखते ही थे अपने माइंड को गिव के लिए, अपना उन्होंने किया ही, उस चीज को टेम किया. उसके बाद वो कहते हैं जब भी मैं स्लीपी ड्राउजी स्टेट में होता हूँ, अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में होता हूँ, तो मेडिटेट करके ना वो मेंटल ब्लॉक उन्होंने अपने माइंड से रिमूव किया कि ठीक है ये जो ब्लॉक है मेरे लाइफ में इट इज बिकॉज अभी नहीं है वो, अभी नहीं चाहिए मुझे वो, तो यू कैन गो आउट ऑफ माई बॉडी नाउ. ठीक है, आई एम सो थैंकफुल कि आप पहले थे लेकिन अभी मुझे इस थॉट की कोई जरूरत नहीं है. सो ही डेलिबरेटली रिमूव दैट थॉट एंड उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के कभी भी नहीं देखा. सो अगर इसी तरह का कोई ब्लॉक हमारे माइंड में है, हमारे मम्मी पापा ने अगर बचपन से ऐसा बोला भी है कि यार पैसे कोई पेड़ पे नहीं उगते, संभल के खर्च करो ये वो, तो उसको इस तरह से लेना चाहिए हमें कि ठीक है उन्होंने अपना पर्सपेक्टिव बताया, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया. अब वी आर अडल्ट्स एंड वी हैव आवर फ्यूचर इन आवर हैंड्स एंड वी नो वी आर इनटू दिस जर्नी नाउ, वी नो दिस जर्नी, सो वी नो दैट वी हैव टू रिमूव सच ब्लॉक्स फ्रॉम आवर माइंड एंड इन ऑर्डर टू यू नो एम्ब्रेस द वेल्थ वी हैव टू रिमूव दिस पर्टिकुलर थॉट्स फ्रॉम आवर माइंड. सो यस, वी हैव टू कम आउट ऑफ दैट. उसको उन थॉट्स को भी ना, जो नेगेटिव थॉट्स है ना, उनको भी थैंक यू करके उनको भी अपने दिमाग से निकालें, उसको पॉजिटिव थॉट से अपने जो न्यूरल पाथवेज को चेंज करें, फिर हम लोग बहुत ज्यादा वेल्थ को ऑब्वियसली अट्रैक्ट कर पाएंगे और भी ज्यादा कर पाएंगे. वी हैव टू बी डिजर्व बिकॉज वी डिजर्व दैट ना. वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी डिजर्व अ लॉट ऑफ वेल्थ. और कोई भी ब्लॉक जो है ना मेंटल का, वो हमें वेल्थ को अटेन करने से नहीं रोक सकता. सो आई रियली वॉन्टेड टू शेयर दिस. थैंक यू मैम. सो ब्यूटिफुल प्रिया, एब्सोल्युटली राइट. एक्चुअली बहुत आपने अच्छा शेयर करा है. थैंक यू सो मच. And I'm just stopping the recording now. Thank you everyone for attending the session. And if